चाइना, जापान और यूएस, इनको आज कौन नहीं जानता, बहुत आगे हैं हमसे टेक्नोलॉजी के मामले में और फाइनेंशियली भी। लेकिन उसका सबसे बड़ा रीजन आपको नहीं पता होगा, उसका सबसे बड़ा रीजन है क्रिएटिविटी। दोस्तों वो कंट्रीज बहुत क्रिएटिव हैं जिसके कारण वो हर रोज नई चीज बनाते हैं, और हम लोग थोड़े से लेजीनेस हैं, हम लेजी में आते हैं थोड़ा सा। आपको सुन के थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन ये सच है। और उससे क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ बनाते हैं और हम उन्हीं का बनाया हुआ सामान खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना, इंडिया में सबसे ज्यादा चाइना का सामान बिकता है, और उससे क्या होता है, जो इंडिया का पैसा है वो चाइना में जाता है और चाइना और ग्रोथ कर रहा है और हमारा इंडिया पीछे जा रहा है। सो दोस्तों इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक ऐसा क्रिएटिव लैंप तैयार किया है जो कि बहुत ही ईजी है। आप लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हर कोई बना सकता है। ये बहुत ही ईजी है और बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, आप देखोगे तो खुद बोलोगे। सो दोस्तों इस क्रिएटिव लैंप को कैसे बनाना है इस वीडियो में मैंने बताया है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड हैरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए 2 ग्लू स्टिक्स, और उसके बाद आपको चाहिए कुछ मल्टी कलर बल्ब जिनको हम RGB इंडिकेटर बोलते हैं या फिर RGB डायोड बोलते हैं। ये आपको 1 से 2 रुपए में किसी भी शॉप से मिल जाएगा। मैं यहाँ पे 2 इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ 3 कलर वाले, और 2 इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ 2 कलर वाले। ये देखिए, ये है रेड और ग्रीन, और अभी ये वाला है रेड और ब्लू। और उसके बाद आपको चाहिए एक बैटरी, लिथियम आयन, किसी भी पुराने फ़ोन की बैटरी चल जाएगी। और एक आपको चाहिए टॉय स्विच, कहीं से भी मिल जाएगा, बहुत ही कॉमन है। और एक चाहिए आपको चार्जिंग पोर्ट चार्ज के लिए, और एक चाहिए आपको डायोड। और दोस्तों अभी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल वायर की ज़रूरत है। और अभी सारा सामान आ चुका है, अब क्या करना है, जो इसकी मेन चीज़ है, जिस पर इसका बेस बनेगा, वो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं परफ्यूम की एम्प्टी बॉटल का कैप। आप यहाँ पे पेंट की बॉटल का कैप भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो PVC पाइप से भी इसको बना सकते हैं। सो दोस्तों जल्दी से प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा कैप है ना, उसमें आपको 2 होल करने हैं। होल्स के लिए आप ड्रिल का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन का यूज़ कर रहा हूँ। और जो होल्स का साइज है वो ग्लू स्टिक के अकॉर्डिंग रखना है। होल्स का साइज इस तरीके से होना चाहिए कि जो हमारे ग्लू स्टिक्स है वो उसके अंदर बिल्कुल फिट आए, बिल्कुल टाइट। तो चलिए जल्दी से होल कर लेते हैं। और अभी होल्स हो चुके हैं, मैं सफाई करते हैं। इसकी क्लीनिंग के लिए मैं कटर यूज़ कर रहा हूँ, और ये देखिए परफेक्ट, एकदम अच्छे होल्स हुए हैं। अभी एक ग्लू स्टिक को इसके अंदर लगा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छे तरीके से ये फिट आ रही है। और अभी बाकी बचे 2 होल भी कर लेते हैं, और ये भी वैसे ही होगा, एक होल के सामने दूसरा होल आएगा, यानी कि क्रॉस बन जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसमें भी होल करते हैं। और ये देखिए दोस्तों अभी होल्स ये भी हो चुके हैं, अब इनकी भी क्लीनिंग करते हैं। सफाई के लिए हम नटराज का कटर यूज़ करेंगे। और फाइनली आप देख सकते हैं कि 4 होल कंप्लीट हो चुके हैं, और इसकी लुक देखिए अब कैसी लग रही है। तो अभी क्या करना है, जो हमारी ग्लू स्टिक्स हैं उसको इसके अंदर बिल्कुल फिट कर देंगे, और जो पहले ग्लू स्टिक लगेगी वो थोड़ी सी नीचे की और ज़्यादा जाएगी, ताकि उसके ऊपर हमारी दूसरी ग्लू स्टिक लग सके। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक क्रॉस बनने वाला है इसके ऊपर, और ये देखिए, मतलब एक ग्लू स्टिक के ऊपर आपको दूसरी ग्लू स्टिक लगानी है। जो पहले 2 होल्स हैं उनके नीचे जो ग्लू स्टिक आएगी वो थोड़ा सा नीचे की ओर जाएगी, कुछ इस तरीके से आपको लगाना है जैसे मैं वीडियो में लगा रहा हूँ। और इसकी सेटिंग अच्छे तरीके से करनी है। और दोस्तों ये देखिए इसकी लुकिंग परफेक्ट, एकदम अच्छा लग रहा है अभी से ही। और अभी दोस्तों आपको क्या करना है, जो हमारी ग्लू स्टिक्स के जो चारों साइड्स हैं उनके नीचे आपको लगाने हैं इंडिकेटर, यानी कि RGB लाइट्स। और वो कैसे लगानी है, आपको सोल्डरिंग आयरन से हल्का सा इसके अंदर होल करना है, बिल्कुल हल्का सा, और ऊपर से इंडिकेटर को लॉक कर देना है। इसी प्रोसेस को दोहरा के हम 4 इंडिकेटर लगा लेते हैं।
और दोस्तों इस डायग्राम की हेल्प से आप सारी वायरिंग कर सकते हैं। ये मैंने डायग्राम एक मैंने लैंप बनाया था ना जो हार्ट वाला, उसकी वीडियो जल्दी ही आएगी, उसकी डायग्राम है, लेकिन ये भी कनेक्शन सेम ही है, आप उसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स चलिए हम डायग्राम के अकॉर्डिंग सारे कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमारी LED है, जो हमने 4 इंडिकेटर लगाए हैं, उनका कनेक्शन करना है पैरेलल कनेक्शन, यानी कि प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। और इसको हम दो कलर की वायर्स लगाएंगे, रेड है प्लस के लिए, ब्लैक है माइनस के लिए। और ये देखिए हमने इसको टेस्ट भी कर लिया, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अभी क्या करना है, जो हमारी बैटरी है उसको हमें टेप रोल से करना है कवर, और एक साइड हमने लगा लिया है स्विच, और स्विच के ऊपर थोड़ा सा हमें लगा देंगे ग्लू, ताकि हमारी स्विच एकदम अच्छे तरीके से वहाँ पे जम जाए। और ग्लू गन का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आप सोल्डरिंग आयरन से भी लगा सकते हैं। और दोस्तों जैसे डायग्राम में कनेक्शन था, सेम वही कनेक्शन आपको यहाँ पे करना है वैसे ही। तो चलिए जल्दी से सारे कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको वीडियो कैसी लगती है और वीडियो में आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या चीज़ें बुरी लगी, प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ताकि हमें पता चल सके हमारी जो कमियां हैं हम उनको दूर कर पाएं। तो दोस्तों अब लगा लेते हैं चार्जिंग पोर्ट, और चार्जिंग पोर्ट का होल हो चुका है, अब इसके अंदर चार्जिंग पोर्ट लगा के तो बाकी कनेक्शन कर लेते हैं। और दोस्तों जो हमारा ग्रीन कलर की LED ना, जो चार्जिंग शो करेगी, मतलब चार्जिंग हो रहा है या नहीं, उसको लगाने का क्या तरीका है, जो आपकी चार्जिंग पोर्ट की दो वायर है प्लस और माइनस वाली, उसमें LED की वायर्स लग जाएगी प्लस माइनस, मतलब LED डायरेक्ट लगेगी सीधा चार्जिंग पोर्ट के साथ, और जो डायड है वो लगेगा रेड वायर में, मतलब जो बैटरी की रेड वायर और चार्जिंग पोर्ट की रेड वायर है उसके अंदर लगेगा डायड, और उसका जो फ्लो होगा वो बैटरी की तरफ होगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम लगा लेते हैं इसको, बाकी डायग्राम में मैंने अच्छे तरीके से बताया है, वहाँ से समझ लेना। और जो ब्लैक वायर है वो कॉमन ही लगेगी डायरेक्टली, तो अभी जल्दी से कनेक्शन कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों सारे कनेक्शन हो चुके हैं, चार्जिंग चेक करते हैं, वेरी गुड चार्जिंग भी हो रहा है। सो दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसके नीचे वाली साइड थोड़ा आपको कवर लगाना पड़ेगा। सो कवर के लिए आप जो PVC शीट होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से इसके लिए शीट काट लेते हैं, और ये देखिए दोस्तों शीट काट चुकी है, अब इसको ग्लू स्टिक से लगाना है, और मैंने ये ग्लू गन से ग्लू लगा दी, इसके ऊपर अब शीट आ जाएगी। सो दोस्तों फाइनली हमारा जो लैंप है वो बन के एकदम रेडी हो चुका है, और आप इसकी लुक देख पा रहे हैं कि कैसी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने इसके अंदर किसी भी चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ नहीं किया, सो प्लीज़ इसको एक घंटे से ज़्यादा चार्ज मत करना। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग देखते हैं।